स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमीरपुर पुलिस ने बीड़ा उठाया है। हमीरपुर पुलिस ने फिलहाल 5 स्कूलों का चयन करके वहां पर बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर समस्याओं को हल करने के लिए कवायद शुरू की है। इसी के चलते ही इन चयनित स्कूलों में पुलिस के प्रशिक्षक बच्चों को जाकर शिक्षित करेंगे। स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमीरपुर पुलिस ने बीड़ा उठाया है। हमीरपुर पुलिस ने फिलहाल 5 स्कूलों का चयन करके वहां पर बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर समस्याओं को हल करने के लिए कवायद शुरू की है। इसके चलते ही इन चयनित स्कूलों में पुलिस के प्रशिक्षक बच्चों को जाकर शिक्षित करेंगे। कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों के बच्चों में निजी स्कूलों के बच्चों की अपेक्षा आत्मविश्वास के साथ साथ पर्सनैलिटी में भारी कमी पाई जाती है, जिसे दूर करने के लिए पुलिस प्रयास करने में जुट गई है। हमीरपुर में 2 केंद्रीय विद्यालयों के साथ 3 अन्य सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए स्कीम के तहत काम किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस ने सरकारी स्कूलों में इस तरह की कवायद शुरू की है, जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी से लेकर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम किया जा सकेगा, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी निजी स्कूलों के बच्चों की तरह आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। SP हमीरपुर अजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर में पहले चरण में 5 स्कूलों के बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्कीम के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के साथ साथ भवन भी बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में कमियां पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद ही पुलिस ने भी स्कूलों के बच्चों में आत्मविश्वास के साथ पर्सनैलिटी ठीक करने के लिए काम करना शुरू किया है, जिसके आगामी दिनों में बढ़िया परिणाम सामने आएंगे। एक और बात जो हम अभी एक नया इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, जैसे कि आपको सबको मालूम है स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम जो है हमारी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिल के एक स्कीम लॉन्च की है। हमीरपुर में ये 5 स्कूलों में अभी सुचारू रूप से चला है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी ऑफिसर्स, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली यहाँ 5 ही ऑफिसर्स हैं, 5 ऑफिसर्स भी मंथ में एक बार कम से कम जो है इंटरेक्ट करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स दिनों में ये स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के दौरान उनकी समस्याओं के बारे में उनके साथ चर्चा करेंगे, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट और इस तरह की किसी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गाइड करने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम बच्चों के साथ करेंगे। ये शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार भी हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे कि सैटरडेज को जब भी इस तरह के सेशन होते हैं, जब बैग फ्री डे होता है बच्चों का, खासकर सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ पे हम इस तरह के इंटरेक्शन, इस तरह की डिस्कशन से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट पे और ज़्यादा जोर दे सकते हैं। तो पुलिस भी इस विभाग इस कार्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ेगी और स्कूलों के साथ मिल के हम ये काम करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स के खासकर बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन का स्तर अच्छा भी रहता है, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, पर कॉन्फिडेंस में अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक थोड़ी कमी पाई जाती है। तो हम अपनी तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं और हम जो ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम के अंतर्गत कुछ स्कूल आते हैं, इसके अलावा कोई भी एक एक स्कूल जो है, जो SHO HO के इंचार्ज अपने सूटेबल समझता है, वहाँ जाके उनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनकी समस्याएं उनको गाइड करेंगे और उनको उनको हेल्प करेंगे किसी भी माध्यम से हो सके। कार्यक्रम में वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे गलोड़ की ओर, जहां पर आसमानी बिजली ने बरपाया है कहर।